लेकिन कैसे आप सभी, मतलब तो आप सब ठीक हो गए। और आज है जुम्मे का दिन, तो जुम्मे के मैं जल्दी उठती हूँ। घर की थोड़ी सी छोटी मोटी जैसे डस्टिंग वगैरह होती है, घर की सफाई होती है, वो कर देती हूँ, क्योंकि जुम्मे का दिन बहुत ही बरकत वाला होता है, मुबारक दिन होता है। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ, घर की सफाई वगैरह करती हूँ, डस्टिंग वगैरह करती हूँ, जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, ख़ास करके जब घर जुम्मे का दिन हो तो कुछ ख़ास चीज़ बनानी पड़ती है, जैसे बिरयानी हो, कढ़ाई हो, क्योंकि जुम्मे के दिन अल्लाह ने इतनी बड़ी बरकत रखी है। तो मैं चाहती हूँ कि जुम्मे का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरे, बहुत ही पुरसकून गुजरे, तो इस तरह से मैं घर की सफाई करती हूँ, घर की सफाई भी कर दी। उसके बाद थोड़े से कपड़े थे वो भी मैं जुम्मे के दिन धोती हूँ या जुम्मे से पहले भी धो देती हूँ। तो मैं कुछ थे, मैंने कहा अभी इसको भी फारग कर दूँ, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे नमाज के लिए, उसके साथ मेरा बेटा भी नमाज के लिए गया था। मैंने कहा उससे पहले भी मैं अपने सारे काम कंप्लीट करके फिर शावर लेने चली जाऊंगी। जैसे मैंने वाशरूम वगैरह भी साफ़ कर दिया था, घर को पूरा चमका दिया था। उसके बाद थोड़ा सा स्टव, मेरा सुबह को थोड़ी सी चाय गिर गई थी, तो मैंने सोचा इसके साथ साथ इसको भी साफ़ करती जाऊँ, क्योंकि मुझे स्टव साफ़ हुआ अच्छा लगता है, सुबह चाय की वजह से थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगना, तो मैंने कहा सोचा इसको भी साफ़ करती जाऊँ। स्टव भी मैंने अच्छी तरह से, इसको पहले भी मैंने साफ़ किया था दो दिन पहले, और सुबह थोड़ी सी चाय करी थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा इसको भी चमका दूँ। स्टव भी पूरा कंप्लीट साफ हो चुका था, इसको फाइनल टच देना था। और स्टव भी कंप्लीट माशाल्लाह साफ हो गया। उसके बाद मुझे बनानी थी बिरयानी, बिरयानी के लिए सब चीज़ें मैंने पहले काट के रखी थी, उन्हें सोचा कि इसके साथ रायता बना लूँ, तो रायता के लिए मैंने इसमें थोड़े हल्की सी प्याज और मिर्च डाल दी थी। और आज बनानी बिरयानी शान की, तो बहुत अच्छा लुक आया था। उसके बाद मैंने सोचा बिरयानी से फारग हो गए, अपने आप को स्किन को और थोड़ा सा क्लीनिंग कर दूँ। मेरे पास ये नेस्कैफे के साचे पड़े थे, तो इससे मैं अपने स्किन को एक्सप्लॉइट करती हूँ और स्किन बहुत ही फ्रेश फ्रेश हो जाती है। और ये मैं हफ्ते में एक दफ़ा करती हूँ, क्योंकि आज जुमे का दिन था, मैंने कहा ये भी इसके साथ अभी ये भी करती जाऊँगी। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब होता है, स्किन को बहुत ही अच्छा, डेड स्किन उतर जाती है। उसके बाद मैं अपने बालों को जुमे के दिन, ख़ास दिन, मैं अपने बालों में ये ब्लैक सीड का मसाज करती हूँ, ऑयल लगाती हूँ। ज़रूरी ख़ास चीज़ें होती हैं जुमे के दिन, नहाना, गुसल करना, इस तरह के काम ज़रूरी होते हैं जुमे के दिन करने हुए। और उसके बाद मैंने अपने आप को खुशबू लगाई, अतर लगाया, और जुमे के दिन यही अफसल काम होते हैं। और नाखून काटना ज़रूरी होता है, और जैसे गुसल करने से हमारे पूरे हफ्ते के गुनाह, जैसे वीक के गुनाह, वो सारे से हम अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। और जुमे के दिन मुझे ये काम बिल्कुल करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये नाखून काट रही थी, और बिल्कुल मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हो गए, नाखून काट दिए मैंने अपने आप को। उसके बाद मैं अपने आँखों पर सुरमा ज़रूर लगाती हूँ, हाशमी सुरमा हो या घर का बनाया हो सुरमा हो, ये मेरे पास सुरमेदानी थी, वो मैं लगाती हूँ। उसके बाद कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, दुरूद पढ़ना, दुरूद की तस्बीह पढ़ना, यही मेरे काम होते हैं जुम्मे के दिन। और आप भी यही काम किया करें, क्योंकि जुम्मे का दिन बहुत बड़ा अफजल दिन होता है। और आप सबको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।